अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज मैं आपके साथ बहुत ही झटपट से बनने वाली एक रेसिपी शेयर करूंगी जी जनाब, जो कि है आम की चटनी। यहाँ पर मैंने लिए हैं कच्चे आम, जिनकी क्वांटिटी है 3 अदद, और उसके साथ साथ मैंने इसमें हरी मिर्चें ली हैं तकरीबन 7 से 8 अदद। तो जनाब, आज की रेसिपी में सबसे जो डिफरेंट सी और यूनिक सी बात है वो ये कि हमने इन कच्चे आमों को चूल्हे के ऊपर रख के इसको भूनना है, बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे हम बैंगन का भरता बनाने के लिए बैंगन को चूल्हे पर रख के थोड़ा सा जलाते हैं, उसको भूनते हैं। आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हर न्यू आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। चलिए जनाब, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले हम स्टोव ऑन करके हल्की आंच पे इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। व्यूअर्स, अगर आपके पास गरम बर्तन के नीचे रखने वाला स्टैंड घर में अवेलेबल है तो आप वो स्टैंड स्टोव के ऊपर रखें और उस पर ईज़िली मैंगो रख के उनको भून सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो स्टैंड अवेलेबल नहीं है तो आप उनको सिंपली इस तरह से भी रख के भून सकते हैं। बट आपने करना कुछ यूँ है कि आपने टाइम टू टाइम इनकी साइड चेंज करते रहना है ताकि ये हर तरफ से अच्छे से भून जाएँ। और तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने स्टोव बिल्कुल ऑफ़ कर दिया है और इन आमों की सारी साइड्स अच्छे से भुनी जा चुकी हैं। अब इसको एक बाउल में हम निकाल लेते हैं पानी के साथ ताकि थोड़े से ठंडे हो जाएं। उसके बाद हम इसको पील ऑफ कर लेंगे, इसका सारे का सारा छिलका उतार लेंगे, सेम उसी तरह से जैसे हम बैंगन को ठंडा होने के बाद अच्छे से भून लेते हैं। और जनाब, यहाँ पर मैंने हल्की आँच पर इन ये जो मिर्चें रखी हुई हैं, हरी मिर्च, इनको हल्का सा फ्राई करना है, हल्का सा भूनना है इनको। लेकिन इसको ज़्यादा देर हम इस पर नहीं रख सकते क्योंकि आपको पता है जैसे ही हरी मिर्चों को हम इस पर रखेंगे तो एक तो हरी मिर्च बहुत जल्दी ब्लैक भी हो जाएगी और उसके साथ साथ वो अजीब से पटाखे से मारने भी शुरू हो जाती है। तो हम इसको हल्का सा बस सेक लगवा लेंगे ताकि इनमें भी जो एक स्मोकी सा फ्लेवर हम देना चाह रहे हैं चटनी में वो आ जाए। और यहाँ पर आम को ठंडा होने के लिए रख दिया है। ठंडा होने के बाद मैं इसको छीलने लगी हूँ जी। तो व्यूअर्स, आम को छीलने के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा फ्रेश सा कलर इसका आ चुका है। तो इसके साथ साथ मैंने इस चटनी में बाकी जितने इंग्रेडिएंट शामिल करने हैं मैं आपको उनकी भी क्वांटिटी बताती चलूं कि यहाँ पे मैंने आम के साथ साथ तकरीबन 3 टेबलस्पून जो है वो पुदीना शामिल करना है, 4 से 5 अदद हरी मिर्च, लाल मिर्च, नमक और लहसुन। यहाँ पर जो लाल मिर्च मैंने यूज़ की है वो तकरीबन 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून ही इसमें सॉल्ट जाएगा। आम का जो गुदा है उसको हम गुठली से अलग कर लेंगे और उसके बाद इन सब चीज़ों को जूस ब्लेंडर वाले जग में डाल के हम अच्छे से पीस लेंगे और हमारी चटनी रेडी हो जाएगी। बहुत ही झटपट सी बनने वाली ये चटनी है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से बहुत यमी सी चटनी झटपट रेडी की है जी। तो जनाब, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यमी सी इंस्टेंट चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। सिंपली हमने उन सब चीज़ों को जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनकी क्वान्टिटी भी, और उन सब चीज़ों को आपने जूसर ब्लेंडर में डाल के इनको ग्राइंड करना है और ये चटनी आपके बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी एक डिफरेंट सी रेसिपी के साथ, एक यमी सी टिप के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।